काफी संख्या में लोग जो है वो लापता। आंदोलन के बीच से लापता हो गए 400 किसान। काफी संख्या में लोग जो है वो लापता। आंदोलनकारियों के अंडरग्राउंड होने का सच। छब्बीस जनवरी को दिल्ली के इन्हीं चार बॉर्डरों से लाल किले की ओर बढ़े थे आंदोलनकारी। बवाल हुआ, लाठी चली, तलवार चली और लाल किले पर पूरे देश ने ये शर्मनाक तस्वीरें देखी। बस इसी के बाद से पूरा सीन बदल गया। दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलनकारी किसान एकता के नारे लगा रहे थे, कृषि कानून के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, उन्हीं में से 400 लोगों का कोई पता नहीं है। वो सारे बॉर्डरों से जो सूचनाएं आ रही हैं कि उस दिन काफी लोग जो हैं वो घर नहीं पहुंचे हैं और बॉर्डर पर भी नहीं है। ओवरऑल लोग अभी तो जैसे 400 लोगों की बात चर्चा चल रही है कि 400 लोगों के लगभग जो है वो अभी अपने अपने घरों में नहीं पहुंचे। पिछले 24 घंटे से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के बाद से करीब 400 से ज्यादा आंदोलनकारी गायब हो चुके हैं। ना तो उनकी कोई खबर मिल रही है और ना ही वो खुद अपने परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं। ज्यादातर दावे ऐसे परिवारों की ओर से किए जा रहे हैं जिनके परिजन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इन परिवारों का दावा है कि पिछले 6 दिनों से इनके अपनों की कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। ये सवाल बेहद गहरे हैं क्योंकि किसान आंदोलन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। किसान परिवारों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। या पुलिस ने इतने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने इस दावे की तह में जाने का फैसला किया। दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के गांवों में न्यूज नेशन रिपोर्टर इस दावे की पड़ताल के लिए निकल पड़े। न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पंजाब के संगरूर पहुंची, जहां के गांव देहला में कुछ परिवारों ने दावा किया कि उनके गांव के 5 नौजवान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही लापता है। रोज ही आउंदे जांदे थी आपस च बार्डर ते गए तो वो टिकरी बार्डर देती वो अगे ला लै रोज आउंदे जांदे थी एवं रोज आठां नूं टिकरी ते आ जांदे थी भी उन्हां चों इक बंदा उन्हां चों अलग हो गया ला लै ये 5 जने फड़े गए उस च एक जिहड़ा अलग हो गया वह तो सानूं पता लग गया भी उन्हां नूं पुलिस की रेड पै गई भी उस च फड़े गए वह 10-10 20-20 नौजवानों ने उत्थे संघर्ष जाना है और शांतमय जाके उत्थे प्रदर्शन भी करना इस विषय तो जो जा रहे सी नौजवान हर रोज जाते भी नौजवान ने जोड़े उत्थे बॉर्डर से गए हुए सी इन्हों का कोई कसूर नहीं बच्चे ये 10-11 बच्चे ने जोड़े उत्थे गए हुए सी। बातचीत में कुछ परिवारों ने गायब हुए युवकों के गिरफ्तार होने की भी बात कही लेकिन दावा किया कि युवकों को गिरफ्तार करके कहां रखा गया है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। साढ़े बच्चे दिल्ली गए थी धरने से जी जो काले कानून रद्द कराने वास्ते जदों दूजे पास दूजे बॉर्डर से गए वो अपने उन्होंने रिश्तेदार मिलना उन्होंने उत्थे 6 बंदे गए हे 6 चों 5 तो अलग हो गए एक अलग हो गया वो जिहड़े एक अलग थी वह तो आ गया वापस आपके ट्राले को जिहड़े गए थे उन्होंने पुलिस ने फड़ लिया समझ कदों पता कदों गए सी उत्थे बॉर्डर ते कदों रेस्ट होए नहीं पता लगे ये पिंड तो 25 तरीक नूं गए नहीं जी। 400 किसानों के गायब होने वाले दावे पर पंजाब का माहौल भी गर्मा गया है। पंजाब के कई किसान संगठन सिख संगठन और राज्य के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी गायब हुए किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। के करीब कोई 400 के करीब जो प्रोटेस्टर्स हैं जो किसान हैं वो मिल नहीं रहे परिवारों को उनका कोई कंटेक्ट नहीं है
तो ये भी शंका जाहिर की जा रही थी कि पुलिस ने उनको उठा के इलीगल डिटेंशन में रखा है और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हमने काम करना शुरू किया और हेल्पलाइन नंबर जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में दिए वो हमें काफ़ी परिवारों ने कंटेक्ट किया और तब जाके पता चला कि कुछ लोगों को पुलिस ने जो है अरेस्ट करके जो केस दर्ज किए थे दिल्ली पुलिस ने 38 FIRs थी उसमें कल तक जो 84 जो लोग थे उनको जेलों में भेज दिया। देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं कि किसी भी मामले में किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार को सूचना दी जाएगी। कानून यह भी कहता है कि किसी भी मामले में किसी की गिरफ्तारी होने पर आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन के मामले में पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया है? सुनिए 400 लापता किसानों के दावे पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी को भी इलीगली डिटेन नहीं किया गया है ना बिठा के रखा गया है। जो ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू 44 FIR और 122 अरेस्ट, ये हमने अपनी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे शेयर कर दी है जितनी हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कर सकते। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि 26 जनवरी को हुए उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिर सवाल है कि किसान नेता और परिवारों की ओर से 400 आंदोलनकारियों के गायब होने का दावा कैसे किया जा रहा है? एक सच्चाई यह भी है कि लाल किला कांड के बाद कई दंगाई पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवा काम नहीं कर रही है जिस वजह से वह अपने परिवार और किसान नेताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपके जरिए ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई कानूनी की गई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फेयर। कृषि कानून का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लापता आंदोलनकारियों को लेकर एक कमेटी भी बनाई है। मोर्चा की ओर से लापता आंदोलनकारियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। कहा गया है कि अगर किसी को लापता आंदोलनकारियों को लेकर कोई भी जानकारी हो तो वो उसे मोबाइल नंबर 8198022033 पर साझा कर सकते हैं। आंदोलनकारियों के लापता होने का मामला पंजाब में गहराता जा रहा है। सोमवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 3-3 मंत्रियों को दिल्ली रवाना किया। पंजाब के इन मंत्रियों ने लापता आंदोलनकारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लापता कांड के बीच हरियाणा की खाप पंचायत का अजीबोगरीब फरमान दिखाएं। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली पुलिस के जवान नए हथियार के साथ नजर आ रहे हैं। हाथों में मेटल वाला डंडा है। ये खास तौर से उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया है। 26 जनवरी और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर जिस तरीके से बॉर्डर पर जमा कथित आंदोलनकारियों ने तलवारों से हमला किया उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के एक जिले में इस तरह की मेटल वाली लाठियां तैयार की गई हैं। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह तस्वीरें और वीडियो सही है लेकिन ये एक प्रयोग है और अभी यह फैसला होना बाकी है कि इन लाठियों के साथ यानी कि मेटल वाली लाठियों के साथ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी या नहीं की जाएगी। एक तरफ 400 किसानों के लापता होने का मुद्दा गरमाया हुआ है तो दूसरी ओर 26 जनवरी के बेलगाम तांडव के बाद बेपटरी हो चुके आंदोलन में जान फूंकने की कोशिशें भी तेजी से चल रही है। कहीं पंचायत से दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल होने का फरमान जारी हो रहा है तो कहीं खाप पंचायतें सरकार को खुली चेतावनी दे रही हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग, लेकिन इससे भी बढ़कर पंजाब के भटिंडा के गांव विर्क खुद्र की इस पंचायत ने बड़ा फरमान सुना दिया। फरमान ये कि हर घर से एक एक आदमी 7 दिनों के लिए दिल्ली धरने पर जाएगा। जो इस फरमान को नहीं मानेगा उसे 1500 रुपए जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। हर घर का एक आदमी
हाँ, एक हफ्ते के लिए 10 आदमी जाएंगे और जो आदमी नहीं जाएगा उसको 1500 रुपये जुर्माना दिया किया जाएगा, और जो फिर भी 1500 जुर्माना भी नहीं देगा तो उसका बाइकाट किया जाएगा। आंदोलन में नहीं जाने वालों से मिले जुर्माने के पैसे कहां खर्च होंगे, इसका भी जवाब विर्क खुर्द की पंचायत के पास है। इस फाइन से ये होगा, जो किसी का नुकसान होगा वहाँ, किसी के ट्रैक्टर का जो भी नुकसान होगा वो उससे मरम्मत करा के दिया जाएगा पंचायत की तरफ से। जी, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा का जींद भी सुलग रहा है। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर 17 खापों की महापंचायत में हजारों किसान जुटे और कृषि कानून वापस नहीं लेने की सूरत में उन्होंने 7 फरवरी को टिकरी बॉर्डर तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। 7 तारीख को यहां 10 बजे खटकर टोल प्लाजा से यहां पर सभी खाप पंचायतें शामिल होकर खाप पंचायत जींद के बैनर तले और संयुक्त मोर्चा किसान के बैनर तले पैदल जत्था यहां जींद से चलेगा सुबह 10 बजे 7 तारीख। जींद जिले की पार्टी कितने जो हो चुके कितने हैं? लोग जा चुके हैं 4 दिन हो गए, कोई अंदाजा नहीं है। आप अपने बेस पर जा रहे हैं, लोग रात को जा रहे हैं, कोई हजारों की संख्या में जा चुके हैं जी, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, हजारों की संख्या में आदमी जी, हनन फनन में गए हैं जैसे टिकट कासू आए। किसान आंदोलन के साथ कदमताल करने के लिए सिर्फ जींद में ही खाप पंचायतें आगे नहीं आ रही बल्कि बिजनौर में भी किसान महापंचायत की कुछ ऐसी ही तैयारी है, लेकिन इन सारी पंचायतों के सेंटर में है गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के साथ किसानों का जत्था दिन रात डटा हुआ है। रात में सर्दी के सितम से बचने के लिए जहां कुछ किसान अलाव तापते नजर आए तो कुछ चाय की चुस्की के साथ ठंड को भगाते दिखे, लेकिन डीजे की धुन पर थिरकता किसानों का जत्था भी यहाँ नजर आया। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद गाजीपुर में लोगों का, किसानों का सैलाब उमड़ा है और अब वो सैलाब गाजीपुर पहुंचकर मौज कर रहा है। देखिए किसान किस तरह से यहां पर डांस कर रहे हैं, एक ट्रॉली में बकायदा डीजे लगाया गया है, डीजे बज रहा है और उस पर जो किसान हैं वो इस समय नाचते हुए झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही किसानों का ये जत्था हक की आवाज बुलंद कर रहा है, कृषि कानूनों को रद्द करने तक आंदोलन जारी रखने की हुंकार भर रहा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर एरिया के आसपास रहने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ती ही जा रही है। रूट डायवर्जन की वजह से कहीं आने जाने में ज्यादा वक्त लग रहा है, तो दूसरी ओर इंटरनेट बैन होने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर वर्क फ्रॉम होम वाले लोग परेशान हैं। और एजिटेशन अगर हो भी रहा है तो मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, ये नहीं कि रोड ब्लॉक हो गई है, आम लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और अभी इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, जैसे ऑफिशियल जितना भी हमारा काम अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा सफ़र कर रहा है। सर, गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगा कि द नॉर्मल चीज़ जो लोगों की चल रही है उस पर थोड़ा ध्यान दो। ट्रैफिक ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दो, अब आपका रूल है, अब उनका मैनेजमेंट अपना हिसाब से काम कर रहा है, आई एग्री, बट नॉर्मल आम जनता के लिए कुछ करें। मेरे घर में तो वाईफाई मेरा काम हो रहा है, लेकिन मेरे अगर पड़ोस में देखेंगे उनके पास वाईफाई है ही नहीं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिना इंटरनेट के वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, वो आप ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो आप क्या वर्क फ्रॉम होम करेंगे? क्या ऑप्शन बचा फिर आपके पास? अब मुझे देखना पड़ेगा, अगर मुझे काम करना है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, जो अपने आप में रिस्क है इस वक्त। न्यूज नेशन ने किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट जानने के लिए उन लोगों की परेशानियों को जानना चाहा जो इस आंदोलन की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हमारे कैमरे के सामने वो महिलाएं भी आई जो किसान आंदोलन को लेकर कड़वे अनुभव से गुजर रही हैं। किसान हम उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें जो रात को नजारा जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो ड्रिंक करना और यहाँ से रास्ते से मतलब जो लेडीज को कमेंट पास करते हुए निकलते हैं वो हमारे लिए बहुत खराब है। गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, दिन ब दिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और किसानों की बढ़ती मौजूदगी से न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा और गाजियाबाद वालों पर क्या असर हो रहा है उसकी बॉर्डर टू बॉर्डर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह ही दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर महाजाम लग गया, कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, ट्रैफिक जाम में जूझते लोग घंटों हलाकान रहे
तो वहीं मरीजों को ले जा रही कई एम्बुलेंस भी जाम से जूझती रही। इस समय हम गाजियाबाद आनंद विहार बॉर्डर पर खड़े हैं। दरअसल सुबह से ही इस बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। उसकी वजह है दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी और बैरिकेटिंग की वजह से जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जाम से दो चार हो रहे हैं। लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और लोग गाड़ियों से निकल निकल कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आगे जाएं तो कैसे, क्या वजह है कि गाड़ियों को रोका गया है। किसान आंदोलन की वजह से सुबह सुबह हरियाणा और यूपी से लगने वाले दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। यूपी बॉर्डर की बात करें तो पिछले तीन दिन से दिल्ली पुलिस ने यूपी बॉर्डर गेट को बंद कर दिया है। सोमवार को महाराजपुर बॉर्डर भी बंद कर दिया गया, जिससे आनंद विहार, डेयरी फार्म, NH9 और NH24 पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि किसान फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं, इसलिए बॉर्डर के अलावा सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही थी, जिससे ITO से लेकर यमुना पार के अक्षरधाम तक जाम ही जाम नजर आया। रेंग रेंग कर चल रही गाड़ियों की ये तस्वीरें दिल्ली के ITO चौराहे की है। किसी को गाजियाबाद से दिल्ली के ITO चौराहे तक पहुंचने में 5.5 घंटे का वक्त लगा, तो किसी को लक्ष्मी नगर से 10 मिनट की दूरी वाले ITO पर पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगा। मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार 30 साल की उम्र में, 30 साल की सर्विस में पहली बार जाम देख रहा हूँ। 1.5 घंटा में अभी हो गया, 1.5 घंटा। बुरी हालत है भाई साहब, क्या कब खुलेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या। किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट पूरी दिल्ली में देखने को मिला, तो वहीं नोएडा बॉर्डर भी अछूता नहीं रहा। चाहे दिल्ली से नोएडा जाने के लिए चिल्ला बॉर्डर हो या फिर DND फ्लाईवे, यहां भी कई किलोमीटर का महाजाम लग गया। जाहिर है किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों की परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को बड़ा डर सता रहा है कि दिल्ली एक बार फिर गणतंत्र के गुंडों का शिकार न बन जाए, दिल्ली एक बार फिर दहशत की बंधक न बन जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस फुल प्रूफ तैयारी कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर तक पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात है। गाजीपुर में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी संख्या में तैनाती है, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जोरदार तैयारी टिकरी बॉर्डर पर दिखी। पहले यहां पर कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, 7 लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अब सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीलें और नुकीले सरिये भी लगा दिए गए हैं। टिकरी बॉर्डर की तैयारी देखकर साफ है कि इस बार दिल्ली पुलिस किसी गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। आंदोलन में अब अगर आर पार की नौबत आई तो खाकी की यह फौलादी तैयारी हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देगी।